ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सच है। मैं पैसों के लिए या किसी चीज के लिए ये इंटरव्यू नहीं कर रही हूँ। तो उसको लगा कि रोजिन तो मतलब तब निकलेगी, 2-3 महीने में कैंसर पेशेंट है, मर जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि हम किसी के कपड़े लेके गायब हो जाते हैं, ताकि इस तरह की गिरी हुई हरकत भी कर सके। एकदम से वो भड़क गई, अजीब अजीब से एकदम थ्रेटनिंग मैसेजेस उसने स्टार्ट किए, वॉइस नोट, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। व्हाट्सएप पे से हर तरफ से ब्लॉक करके वो गायब हो गई। राखी किस चीज की बदनामी फैलाओगी? अब तुमने हरकत की है, आई मेक श्योर कि सबको पता चलना चाहिए कि राखी इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकती है। तो मेरा बस यही एम है कि लोगों को पता चले कि राखी क्या है और कैसे वो किस तरह से प्यार से आपसे अपना काम निकलवाती है, और उसके बाद तुम कौन मैं कौन मतलब पहचानने से इनकार कर देती है। हद हो गई, मतलब कोई सेलिब्रिटी अपने आप को बोलता है और वो ऐसी हरकत करता है, तो फिर सेलिब्रिटी कहाँ से हो गया वो। रोजिन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बाज़ूका। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब हम आजकल बहुत कंट्रोवर्सीज पढ़ रहे हैं आपकी और राखी सावंत के बीच में, और क्या एग्जैक्टली क्या फाइट है और क्या क्या चीजें हैं जो राखी सावंत ने, आप कह रहे कि राखी सावंत ने चीट किया है आपको। इसको ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सच है, क्योंकि इसकी जो भी चीजें हुई है वो सब कुछ मेरे पास डिटेल में है। ये 3-4 महीने पहले की बात है, उस वक्त मैं कैंसर ट्रीटमेंट करवा रही थी और मेरी कीमोथेरेपी खत्म नहीं हुई थी। उस बीच इसका राखी का थोड़ा झगड़ा चल रहा था उसके हस्बैंड के साथ, शैलिन के साथ, और काफी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। उसी बीच इसको उमरा करना था, सो शी केम वेरी क्लोज टू माई फैमिली और शी सेड के मुझे थोड़ी हेल्प कीजिए, मुझे उमरा करना है। सो वी बॉट हर 2-3 अबायास, हमने उसको 2-3 अबायास खुद से खरीद के गिफ्ट किए और उसने उमरा में वो पहने, वापस लौट कर आई। तो शी वॉज वेरी नाइस, वेरी स्वीट, होली वाटर लेकर आई, उसे आबे जमजम हम लोग कहते हैं, वो सब लेकर आई और एकदम फैमिली की तरह ट्रीट करने लगे। तो हम लोगों को थोड़ा सरप्राइज तो था कि राखी जो मीडिया में दिखती है शायद वैसे नहीं होगी, पर्सनली कुछ अलग होगी। पर उसके कुछ दिन के बाद शी सेड के हर बार मुझे मीडिया में अपीयरेंस देने के लिए अबाया पहनना है, बिकॉज अब तो मैंने उमरा कर लिया है और मैं मुस्लिम हूँ। सो हमने कहा ठीक है, देखते हैं कुछ हो सकता है। और मैंने एक ब्रांड से बात की, उन्होंने कहा कि राखी के लिए चाहिए तो हम एक गिफ्ट में दे देते हैं, और एक अच्छा बहुत एक्सक्लूसिव अबाया उन्होंने गिफ्ट में दे दिया उसको। तो राखी ने उसे पहना, काफी मीडिया ने उसे कवर किया। तो शी सेड के अब फिर से मुझे चाहिए, तो हर दिन एक नया अबाया फ्री में अरेंज होना या कोई आपको गिफ्ट देगा ये पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या पॉसिबिलिटी क्या है। इनफैक्ट इसने कुछ वॉइस नोट्स भी भेजे कि मेरे लिए ऐसा बना के दो, टाइट बना के दो, लूज बना के दो, ऐसे ऐसे कलर्स, ऐसे ऐसे डिजाइंस, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद वो पॉसिबल था नहीं, तो इन्होंने कहा कि जो हमारे पास रेडी अबाया से वो ये पहन के रिटर्न कर सकती है और बस एक स्टोरी डालनी होगी, टैग करना होगा हमें। तो उसने उस सब चीज के लिए हाँ कहा और फिर सडनली गायब हो गई वो अबाया अपनी चॉइस के लिए और गायब हो गई। फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि इसको कोऑर्डिनेट करके देखो कि क्या कहाँ है राखी, किधर है। तो राखी ने कहा कि मैं 10-20 दिन के बाद दूंगी, तो अगर आपने अबाया आज ली है तो 10-20 दिन के बाद आप पहनोगी और फिर पोस्ट करोगी तो ये पॉसिबल नहीं लगता है। अगर अभी लिया है, अभी आपको जरूरत है तो आप पहन लो। एकदम से वो भड़क गई, अजीब अजीब से एकदम थ्रेटनिंग मैसेजेस उसने स्टार्ट किए, वॉइस नोट, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। कहने लगी कि तुम लोगों को और मैं सबको ले जाके मीडिया में और बदनामी फैला दूंगी। तो मैंने उसको मैसेज किया कि राखी किस चीज की बदनामी फैलाओगी, अब तुम भी मुस्लिम हो और मैं भी मुस्लिम हूँ, तो ऐसी कोई बदनामी तुम फैला नहीं सकते। प्लीज जो कमिटमेंट था वो आप पूरा करो और ये अबाया पहन के वापस करो, या फिर अगर रखना चाहती हो तो इसकी कॉस्ट दे दो। तो उसका कोई रिप्लाई नहीं था। उसने सब आई थिंक इंस्टाग्राम पे मैंने चेक किया तो वहां से मैं ब्लॉक हूँ, व्हाट्सएप पे से हर तरफ से ब्लॉक करके वो गायब हो गई। और ये 2-3 महीने से आज तक वो कभी टच में नहीं आई। उस वक्त उसको पता था, मैंने मैसेज भी किया कि राखी मैं इस वक्त अभी सुबह में कीमोथेरेपी करा के आई हूँ, और शाम को उसके ऐसे मैसेजेस आना स्टार्ट हुए। तो मैंने उसको मैसेज में अपना बिल तक भेजा कि देख आज की डेट है, मैं आज आई हूँ नानावती हॉस्पिटल से। बट वो औरत तो मतलब टस से मस नहीं हुई, उसने इसी तरह के मैसेजेस मुझे डालती रही, मेरे सिस्टर के उस पे व्हाट्सएप पे डालती रही, मुझे ब्लॉक करके भाग गई। एक अबाया की कीमत कितनी थी और क्या मतलब कि आप लोग की क्या बात हुई थी कि मतलब क्या उनको मतलब प्राइस देनी पड़ेगी या बार्टर सिस्टम टाइप का था कि मतलब कि
वो सिर्फ पोस्ट कर देंगी उस अबाया का कि क्या था एग्जैक्टली? सी अबाया जैसे हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, एक्टर्स कई बार कपड़े लेते हैं, फोटोशूट करते हैं और नीचे टैग कर देते हैं ब्रांड को. कई बार ऐसा होता है कि इवेंट्स के लिए भी हम लोग पहनते हैं, तो वो ब्रांड्स का की पब्लिसिटी उनको मिल जाती है सिंपल. और हम अपने वो कपड़े पहनने के बाद वापस कर देते हैं, ये रेगुलर प्रैक्टिस है. और ऐसा कभी नहीं होता कि हम किसी के कपड़े लेके गायब हो जाते हैं. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये बहुत गलत चीज थी. उसने वो अबाया लेके पहने भी नहीं, टैग भी किए होते तो चलो मैं बोल देती ब्रांड से कि उन्होंने टैग तो कर दिया, भूल जाओ चलो आप. ना तो उसने पहने, ना उसने टैग किया, ना रिप्लाई दिया. तो बेसिकली वो अबाया लेके गायब हो गई. और डील ये थी कि अबाया पहनेगी, टैग करेगी और वापस कर देगी. आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ी एक अबाया की कीमत? मुझे तो उन्होंने बहुत ही मिनिमल अमाउंट मुझसे चार्ज किया, बहुत ही कम अमाउंट. जो सी अमाउंट मैटर नहीं करता है. और मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा ये बोलने के लिए कि मैंने क्या पे किया या क्या पे नहीं किया. दिस इज लाइक मैं पैसों के लिए या किसी चीज के लिए इंटरव्यू नहीं कर रही हूँ. बट ये है कि उसकी उसने जो हरकत की है, जो उसने एटीट्यूड दिखाया है अपना कि मैं किसी की चीज लेके भाग जाऊंगी और मीडिया में बदनाम कर दूंगी, तो उस वक्त मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं यहाँ पर आके आपको बता सकती कि ताकि इस तरह की गिरी हुई हरकत भी कर सकती. वो भी स्पेशली उस वक्त उसे पता था कि मैं कैंसर का ट्रीटमेंट करा रही हूँ. उसकी खुद की मदर कैंसर से पीड़ित थी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. मगर उसके बावजूद उसने इस चीज को नहीं समझा कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ और मैं इस वक्त मेंटली स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ. अगर उसके बावजूद उसने मल्टीपल थ्रेटनिंग मैसेजेस डाले. अब आप क्या एक्शन लेना चाहती हैं उनसे और क्या मतलब कि क्या करवाना चाहती हैं आप राखी से? कोई FIR लॉन्च करेंगे आपके क्या? नहीं, मैं अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही हूँ. लेकिन जिस तरह का उसका एटीट्यूड है, इस ऐसी वाली उसने बहुत लोगों के साथ किया होगा. आई एम श्योर जैसा वो मेरे साथ करके गायब हो गई अचानक से. उसको लगा कि रोजिन तो मतलब कब निकल लेगी, दो तीन महीने में कैंसर पेशेंट पे मर जाएगी और मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ. तो ऐसा नहीं होता प्लीज. हर कैंसर पेशेंट मरता नहीं है, तो तुम्हारा रास्ता साफ नहीं हुआ. मैं हूँ, जो तुमने हरकत की है आई मेक श्योर कि सबको पता चलना चाहिए कि राखी इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकती है. तो मेरा बस यही एम है कि लोगों को पता चले ये राखी क्या है और कैसे वो किस तरह से प्यार से आपसे अपना काम भी करवाती है और उसके बाद तुम कौन मैं कौन मतलब पहचानने से इनकार कर देती है. आपने अबाया वालों को पेमेंट जो किया है क्या उसकी रिसीट है आपके पास? Yes, क्या है? पास रिसीट है. इनफैक्ट मेरी सिस्टर ने वो रिसीट उसको भेजी तो हंसने लगी, बोलती कि एक काम करो तुम रोजिन से कह देना उसने मुझे ज़कात दे दी. हाँ थैंक यू सो मच. रोजलिन खान को बोला उसने मुझे ज़कात दे दी. ठीक है तुम लोग को शर्म आनी चाहिए. उन लोग को एक दो बुरखे दे दिए ना तो शर्म आनी चाहिए. ठीक है मुझे ज़कात दे दी. अब दोबारा शट योर माउथ बोलना उनको तुम शबाना. सबको शट योर माउथ बोलना. ज़कात दे दी ना मुझे. ओके तो मुझे बहुत हंसी है. मैंने कहा कि ज़कात तो मैं हर साल देती हूँ और ऐसा नहीं है. ऑब्वियसली हम 2% ज़कात निकालते तो लाखों में निकलती है ज़कात. अगर आप मुस्लिम हो तो आप ज़कात देते हो और मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ऐसी हैसियत है कि मैं उसे ज़कात दूँ. उसको समझना चाहिए था कि वो क्या वर्ड यूज कर रही है. क्या आपको इससे पहले जब आप राखी से डील करते थे आपको पता नहीं था कि राखी क्या है और क्या मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम राखी से आई थिंक जब वो मुझे मिली मैंने उससे 10 या 15 मिनट बात की और मैं वहां से निकल गई जहाँ वो मुझे मिली थी. और उसने मुझे शालिन से भी इंट्रोड्यूस कराया. मैंने इन दोनों में से किसी से भी ज्यादा बात नहीं की क्योंकि मैं उस वक्त कीमोथेरेपी करवा रही थी और सबको पता है कि जब आप कीमो करवाते हो तो डॉक्टर आपसे कहते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम पीपल सो दैट यू डोंट कैच इन्फेक्शन. तो मुझे इन्फेक्शन से मुझे अपने आप को बचाना था. तो मुझे ये नहीं था कि कौन राखी और कौन शालिन. मैं अपने आप में इतना वो थी कि मुझे रिकवर करना है, मुझे जल्दी ठीक होना है. तो मैंने इनसे ज्यादा देर बात नहीं की. बट यस She was in touch with my sister. वो रोज उससे मिलती थी, यहाँ पिकअप कर दो, वहाँ ड्रॉप कर दो. Suddenly उसने जो एटीट्यूड चेंज किया, she also got to know कि ये तो हद हो गई. मतलब कोई सेलिब्रिटी अपने आप को बोलता है और वो ऐसी हरकत करता है तो फिर सेलिब्रिटी कहाँ से हो गया वो. और अगर अबाया उसको मेरे थ्रू चाहिए थी तो आप समझ सकते हो कि उसके खुद के कॉन्टेक्ट नहीं होंगे. आज वो बोल रही है कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ. बहुत सेलिब्रिटी जो होता है ना उसके एक फोन पे डिजाइनर्स कपड़े लाके देते हैं. तो मेरे एक फोन पे डिजाइनर ने कपड़े दिए और तुम लेकर भाग गए. तो इससे पता चलता है कि तुम्हारी इमेज क्या है और मेरी इमेज क्या है. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप
और लोगों को जो मतलब कि क्या कहना चाहेंगे राखी के बारे में आपकी, और लोग उससे बच के रहें? कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैं राखी की वो जो उसके दोस्त हैं उनके बोलने पे ये सब पोस्ट डाल रही हूँ, तो प्लीज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे वो उस भीड़ में जमा होके तुम्हारे साथ ये सब करूंगी। अगर मुझे वो करना होता तो मैं उसी वक्त, जब तुम्हें इंसिडेंट हुआ था उसी वक्त मैं मीडिया में जाती, लेकिन मैं उस वक्त नहीं गई क्योंकि लोगों को लगता कि ये जलती हुई आग में तेल डाल रही है, इसको और भड़का रही है, और या फिर ये कॉन्ट्रोवर्सी कर रही है, या फिर लोग ये कहते हैं कि इसको बिग बॉस में जाना है। स्पेशली मैं वेट कर रही थी कि बिग बॉस खत्म होगा उसके बाद ही मैं ये बात करूंगी, अदरवाइज सब लोग सोचते हैं कि ये कॉन्ट्रोवर्सी कर रही है।